और गीत के संबंध में तो सबसे पहले मैं पधारे हुए अतिथि महोदय श्रीमान प्रदीप सुराणा का विद्यालय परिवार में स्वागत करता हूँ। और अब ये जिस प्रकार से आपको गाइड करें उस हिसाब से आपको चलना है। पहले क्या प्रोग्राम उसके बारे में बताएंगे और फिर हम सब मिलकर के अनुवर्त गीत का गायन करेंगे। श्रीमान प्रदीप जी सुराणा। सम्मान्य टैगोर विद्यालय के डायरेक्टर साहब, प्रिंसिपल साहब श्री कमला प्रसाद जी गुरु जी, दीपक जी चांगल साहब, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं, हंसते खिलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनु छात्र छात्राओं, आज 18 जनवरी को पूरे राष्ट्र में करोड़ों छात्र छात्राओं द्वारा अनुवर्त गीत का महासंगान किया जा रहा है। सिर्फ छात्र छात्राएं नहीं, शिक्षक, व्यापारी, राजनेता, प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी वर्ग, लेखक और सीने जगत के कलाकारों के सहित सभी लोग आज के दिन महासंगान अनुवर्त गीत का कर रहे हैं। और अनुवर्त विश्व भारती द्वारा ये प्रकल्प, ये आगाज किया गया और पूरे देश ने उसका समर्थन किया। आज छापर में अनुवर्त गीत संगान सभी विद्यालयों में किया जा रहा है और प्रारंभ में आज टैगोर विद्यालय में हम यह कार्यक्रम छात्र छात्राएं एक साथ अनुवर्त गीत का संगान करेगी। मैं टैगोर विद्यालय परिवार जो अनुवर्त के कार्यक्रमों से मैं सदा जुड़ा रहता है और इसके लिए मैं सम्मानीय मनोज जी कील का, सम्मानीय कमला प्रसाद जी चांगल, सम्मानीय दीपक जी चांगल, राकेश जी ढेनवाल सहित सभी स्टाफ सदस्यों के प्रति आभारी हूँ कि हमारे इस अनुवर्त गीत महासंगान आज प्रारंभ इसका उद्घाटन यहाँ टैगोर विद्यालय में करने जा रहे हैं। धन्यवाद। अब आप एक साथ छात्र छात्राएं अनुवर्त गीत का संगान करेगी। सबसे पहले एक बार सभी विद्यार्थी उन्हें सावधान विश्राम की पोजिशन में जिससे आपको आदेश मिले, इससे साथ ही जानने का भूल रहने से भी करें एक बार सामने से सभी लाइनें चेक करें। गुरुजन राजस्थान भवन साहब प्रेरक पुरस्कार से सम्मानित प्रदीप जी सुराणा ने अनुवर्त गीत के बारे में आज बताया। टैगोर स्कूल का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। सभी बच्चे, सभी स्टाफ अनुवर्त गीत का अभी गाएंगे, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। सामने देखो सारे लाइन एकदम सीधी, बस साउथ। अब सभी सावधान की मुद्रा में खड़े रहेंगे और अनुवर्त गीत का संगान करेंगे। सभी एक साथ शुरू करेंगे। शुरू की सुर सरिता जन जन मन पावन हो, श्रीयमय जीवन हो, श्रीयमय जीवन हो। अपने से अपना अनुशासन अनुरत की परिभाषा, बढ़
जाति और संप्रदाय से मुक्त धर्म की भाषा, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो, सीएम मैं जीव गुरु, सीएम मैं जीव गुरु। भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता से अस्तित्व समन्वय नीच सफलता पाए, शुद्ध साध के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयम मैं जीवन हो, संयम मैं जीवन हो। विद्यार्थी या शिक्षक हो, मजदूर और व्यापारी, नर हो नारी बने नीतिमय जीवन चर्या सारी, कतनी करनी जी समानता में गतिशील चरण हो, संयम मैं जीवन हो, संयम मैं जीवन हो, संयम मैं जीवन हो, संयम मैं जीवन हो। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी के पावन चरणों में मेरे श्रद्धा सुमन समर्पित, वंदनीय मुनि श्री आत्मानंद जी के चरणों में सभक्ति वंदन, इस साधन के व्यवस्थापक सम्मान्य शोपालाराम जी, प्रिंसिपल सम्मान्य जौरुद्दीन जी, शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारी 13 पद महिला मंडल एवं मानवत समिति की महिला टीम, हंसते खेलते मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी छात्राओं, आज पूरे राष्ट्र में अनुवर्त गीत का महासंगान का कार्यक्रम अनुवर्त विश्व भारती द्वारा आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम को हमारी विभिन्न सरकारों ने पूरे भारत में समर्थन दिया और सब जगह शिक्षा विभाग ने भी निर्देश किया कि इस छात्र हित, व्यापारी हित, शिक्षक हित और मानव हित के कार्यक्रम में आप सभी लोग सहभागिता निभाएं। और उसी के अंतर्गत आज छापर में शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी के सानिध्य में हमने इस कार्यक्रम का आगाज किया। हालांकि परसों तक मुनिश्री का कार्यक्रम मात्र एक विद्यालय में था, लेकिन जो ही मुझे मालूम पड़ा मैं मुनिश्री के चरणों में उपस्थित हुआ और मैंने कहा कि आचार्य श्री महाश्रमण जी के चातुर्मास में मात्र गुरुदेव एक जगह पधारे थे अनुवर्त विद्यालय में, वो भी 2 बार, और उन्होंने मुक्त कंठ से प्रशंसा की कि अनुवर्त विद्यालय को देख कर ऐसा लगता है कि ये हमारा विद्यालय है। मुनिश्री, मैं आपके प्रति सबसे पहले कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा, आपने हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने 2 कार्यक्रम और आपके सानिध्य में करने चाहे, यहाँ और ये जहाँ वेशन का जिस मोहल्ले में अंबार है, हमारी 3 नंबर बूंदा विद्यालय में हम चाहते थे कि उस विद्यालय में भी आपका कार्यक्रम हो, दोनों में आपने स्वीकृति प्रदान की, मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमारे अनुवर्त समिति के मुख्य सलाहकार सम्मानीय रेखाराम जी गोदारा के विशेष प्रयत्न से
हमने इन विद्यालयों में, तीनों विद्यालयों में हमने पूरी रूपरेखा बहुत अच्छी तरह से सुनिश्चित की। और मुझे इस बात की भी खुशी हुई शोभायाम जी, मैंने चैन रूप जी को फोन करके कहा था, वो तीन दिन बाद आने वाले थे, कि गुरु जी आप इस दिन आइए, और तो वो कल आ गए थे इस कार्यक्रम में शामिल होने के, लेकिन आज प्रतिकूल मौसम में उनका स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। मैं टैगोर विद्यालय में था उस समय उनका फोन आ गया, प्रदीप जी ये मेरे असुविधा है, आप और रेखा राम जी है तो ये चेनू शोपाल राम जी के पास ही है, ये समझ लो। तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा। अनुवर्त गीत का महासंज्ञा हो, उससे पहले मैं सारा के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं व्यवस्थापक और प्रिंसिपल साहब के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप देने में भूमिका निभाई। ओम राम, ओम धन्यवाद। अब मैं साला के सचिव शोभा जी से निवेदन करता हूँ कि वो उद्बोधन दे। मुनि श्री विजय कुमार जी के चरणों में सत्सर वंदन, साथ में पधारे हुए मुनि श्री के चरणों में वंदन प्रणाम, मेरे गुरुदेव रेखाराम जी को प्रणाम, भाई प्रदीप जी सुराणा को, और प्रणाम सभी आगंतुक समाज के वरिष्ठ जनों का, और मेरे प्यारे प्यारे छात्र छात्राओं एवं मेरे सहयोगी शिक्षक शिक्षिका। 1996 में जब अनुव्रत बाल भारती की स्थापना हुई, उस समय से ही नियमित रूप से अनुव्रत गान का संगान हमारे विद्यालय में होता आया है, और आज ये संगान होते होते बड़ी खुशी होती है कि जिसको हम सदा गाते हैं आज उसको सब गाते हैं। संपूर्ण भारत में समस्त विद्यालयों में आज अनुव्रत का संगान हो रहा है, अनुव्रत गीत का संगान हो रहा है। इससे प्रमाणित होता है कि हमने जो राह पकड़ी थी वो राह सर्वश्रेष्ठ थी, आज लोग उस राह पर चलने के लिए तैयार हो रहे हैं। समय की पाबंदी है, संक्षिप्त समय में हमें संपूर्ण कार्यक्रम करना है, क्योंकि महाराज श्री का अगला कार्यक्रम भी मुंद्रा स्कूल में है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा मुनिश्री, ये आपके बच्चे हैं, ये आपका विद्यालय है, और आप संतों का आशीर्वाद सदा इस अनुव्रत परिवार को, इस अनुव्रत विद्यालय परिवार को मिलता रहा है। मैं आशा करूँगा कि भविष्य में भी इसी प्रकार आप सबका आशीर्वाद हमें मिलता रहे। ओम आर राम। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री प्रणाम। मुनि श्री आत्मानंद जी के चरणों में वंदन। यहाँ उपस्थित समस्त अनुवर्त टीम के सदस्यगण, अनुवर्त समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप जी सुराणा साहब, अनुवर्त महिला टीम, पार से पधारे सुरागण, शिक्षक भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, अनुवर्त आचार्य श्री तुलसी का एक पौधा रोपा हुआ था, और आज वो समय आ गया कि इसे अनुवर्त आंदोलन को जन जन तक फैलाने के लिए विद्यालयों के माध्यम से, सरकारी ऑफिसों और कार्यालयों के माध्यम से, जहां भी संभव हो, आज 18 जनवरी 2024 का दिन निर्धारित किया गया है, जो पूरे भारत और विश्व में सुबह से लेकर शाम तक इसका महासंगान किया जाएगा, इसको गाया जाएगा, और इसके माध्यम से, इस गीत के माध्यम से जागरूकता पैदा की जाएगी कि किस प्रकार से अनुव्रत आंदोलन के साथ जुड़कर हम हमारे व्यक्तिगत, समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसमें जो एक लाइन है,
कि सुधरे व्यक्ति और व्यक्ति से समाज सुधरे और समाज से राष्ट्र बने। तो यही कामना है मेरी कि सब इसको हम जन जन तक फैलाएंगे और अपने जीवन में अनुवर्त के महत्व को अपनाएंगे। ओम अरम। Thank you.
ज्ञान चक्षु प्रदाता परम गुरु के चरणों में सत सत वंदन। ज्ञान यज्ञ में जुड़े हुए हमारे प्रशिक्षक बंधु, हमारे व्यवस्थापक यहाँ पे और सामने विराजमान हमारे विद्यार्थी समूह, आज का ये जो विशेष कार्यक्रम है, मैं मानता हूँ कि अभिनव कार्यक्रम है, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं सैकड़ों विद्यार्थियों को, वैसे ही अनेक अनेक स्कूलों में यह कार्यक्रम पूरे दिन भर आज चलने वाला है और हजारों हजारों लाखों लाखों विद्यार्थी इसका संगान करने वाले हैं और उनके माध्यम से ये अनुग्रह गीत की गूंज लाखों लाखों परिवारों में जाने वाली है। यह एक ऐसा गीत है जिसमें अनुव्रत का जो घोष है उद्घोष, संयममय जीवन, जीवन संयममय होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में 17 प्रकार का संयम बताया गया है, मैं उस लंबी चर्चा में नहीं जाना चाहता, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ हमारे विद्यार्थियों से कि अनुव्रत गीत की जो अर्थ आत्मा है, इसका अर्थ है, इसके जो भाव हैं वो आपके जीवन में साकार हो जाए, मैं समझता हूँ कि आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है। आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, कौन व्यक्ति ऐसा होगा कि जो अपने जीवन को रुग्ण देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता है, जीवन को सब स्वस्थ देखना चाहते हैं। तो स्वस्थ जीवन के सूत्र इस एक ही गीत में समाये हुए हैं। आप अपने जीवन को विनय से, अनुशासन से, सेवा भाव से और अनेक प्रकार के गुण सुगुणों से, गुण फूलों से अपने जीवन को सजाएं, मैं समझता हूँ कि आपका जीवन धन्य बन जाएगा। यह एक गीत ही आपके लिए एक प्रकार से टॉनिक का काम करेगा, यह असली टॉनिक कह सकते हैं हम इस गीत को, एक ऐसा गुणों का गुलदस्ता कह सकते हैं इस गीत को, आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। मैं भी अपने एक गीत के द्वारा अपनी भावना को अभिव्यक्त करना चाहूँगा। ये गीत जब पूज्य गुरुदेव ने, ये गुरुदेव श्री तुलसी ने जब इस अनुव्रत का प्रारंभ किया, उस समय इस गीत की रचना की और इस गीत का संगान जब दिल्ली में किया गया और एक कार्यक्रम में उस समय के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद वो भी उपस्थित थे, तो उन्होंने उस अभियान के लिए, अनुव्रत अभियान के लिए क्या शब्द कहे, सुनने जैसे हैं। और उसको सुनकर के आप भी सोचेंगे कि देखो आचार्य श्री तुलसी जब राष्ट्रपति से मिले तो उन्होंने कितनी अच्छी बातें कही। कई वर्षों से अनुव्रत आंदोलन के साथ मेरा परिचय रहा है, ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं। कई वर्षों से अनुव्रत आंदोलन के साथ मेरा परिचय रहा है, मैंने प्रारंभ से ही इसका स्वागत किया है, अपने विचार बताए। आज तक जो काम हुआ है वह प्रशंसनीय है, इस आंदोलन के नियमों के पालन से हम दूसरों की ही भलाई नहीं करते, अपने भी भलाई करते हैं, अपने को शुद्ध करते हैं। संयम का जीवन सबसे अच्छा जीवन है, संयम का जीवन सबसे अच्छा जीवन है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी वर्गों में अनुव्रत का प्रचार हो,
सबको इस ओर प्रोत्साहित किया जाए। ये राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं। तो ऐसे ही न जाने कितने कितने व्यक्ति मिले हैं और कितने कितने व्यक्तियों ने संयम को अपने जीवन में स्वीकार करके अपने जीवन को स्वस्थ बनाया है। मैं यहाँ स्कूल में विद्यार्थियों के सामने विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि वे अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं, अपने जीवन को निरपराध बनाएं, सभी प्रकार के अपराधों से अपने आप को बचे रहें सदा के लिए, तो आपका जीवन भी धन्य बन जाएगा और ये अनुव्रत गीत आपके जीवन में मूर्तिमान हो जाएगा। तो एक गीत के द्वारा मैं अपने कुछ भावनाओं को भी व्यक्त करना चाहूँगा। तोड़ गुलामी की जंजीरें देश हुआ आजा, तभी किया गुरुवर तुलसी ने अनुव्रत का सिंह ना, व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे, अपनाओ व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे, अनुव्रत दीप जला कर मन का, अनुव्रत दीप जला कर मन का, सिमिर हटाओ रे व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ। सत्य अहिंसा से मानव की, सत्य अहिंसा से मानव की निष्ठा घटती जा रही, निष्ठा घटती जा रही, धर्म सूर्य पर आडंबर की मेघ घटा जो छा रही, मेघ घटा जो छा रही, नई चेतना लाएगा फिर, नहीं चेतना लाएगा फिर अनुव्रत का अभियान, व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे, अनुव्रत दीप जला कर मन का, अनुव्रत दीप जला कर मन का, शिविर हटाओ रे व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे। सत्य के पद पर बढ़ता है जो आंधी और तूफान में, आंधी और तूफान में अभिशापों को बदल सके वह फलदाई वरदान में, फलदाई वरदान में, उस महामानव के चरणों में, उस महामानव के चरणों में झुकता सकल जहान, व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे, अपनाओ व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे। कष्टों की ज्वाला में तुलसी जन जीवन की फुलवारी, जन जीवन की फुलवारी सच्चे सुख को खोज रही है, व्याकुल यह दुनिया सारी, व्याकुल यह दुनिया सारी, नैतिक मूल्यों से ही संभव, नैतिक मूल्यों से ही संभव मानव का उत्थान, व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे, अपनाओ व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे। अणुबंबों के तेज धमाके से आतंकित जन जन है, से आतंकित जन जन है, खतरे की आशंका रहती, विजय सभी को हर क्षण है, विजय सभी को हर क्षण है, अणुव्रत की आचार संहिता, अणुव्रत की आचार संहिता देगी सबको प्राण, व्रत अपनाओ रे ओ व्रत अपनाओ रे, अपनाओ व्रत अपनाओ रे ओ अपनाओ रे। अणुव्रत दीप जला कर मन का, आज परम सौभाग्य का विषय है
कि हमारे विद्यालय में मुनि श्री शास्त्र श्री मुनि श्री विजय कुमार जी और मुनि श्री आत्मानंद जी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके पधारे हैं। आप सभी पुष्प वर्षा करते हुए इनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, प्रणाम करें इनको और सभी आशीर्वाद दें। आज के कार्यक्रम कार्यक्रम है हमारे बीच अनुव्रत समिति का महिला मंडल सहित हमारे अनुव्रत समिति के संरक्षक प्रदीप जी, विनोद जी नाटा, जतन जी और आदरणीय रेखा राम जी। गुरु जी तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, रेखा राम जी और चेनरूप जी की प्रेरणा से यह विशाल भवन आप देख रहे हैं। हमारे प्रदीप जी, रेखा राम जी और चेनरूप जी की जो टीम है उनकी बदौलत ये कार्य हुआ है यहाँ पर। तो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं श्री रेखा राम जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। सभी पुष्प वर्षा करते हुए अभिनंदन करें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे वीर श्रीमान प्रदीप जी सुराणा, आप अनुमत समिति छापर के संरक्षक भी हैं, आपका भी आप पुष्प वर्षा करते हुए अभिनंदन करें, स्वागत करें। विशेष अतिथि की श्रृंखला में हमारे वीर श्रीमान विनोद जी नाटा, जतन जी बोथरा और हाँ अध्यक्ष भी है अनुमत समिति के आप, और हमारे आप सभी महिला मंडल सहित पधारे हुए महानुभावों का हम विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारा यह राजकीय विद्यालय सरकारी छात्र संख्या के रूप में सर्वाधिक छात्र संख्या है हमारे यहाँ की। पिछले साल का जो रिजल्ट है उसमें सरकारी विद्यालयों के टॉपर्स बच्चों में 10वीं क्लास का बच्चा जिसके टॉप नंबर रहे थे 90% से वो 10वीं क्लास बोर्ड में 90% आई थी और 12वीं में भी टॉपर्स जो थे उसके 92% नंबर थी लड़की थी। तो कहने का मतलब है कि 12वीं हमारे पहले साल की और हमारे कोई लेक्चरर भी नहीं है, फिर भी हमारे जो विद्यालय की टीम है उसके द्वारा ये कोशिश की जाती है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षण कार्य करवाएं। हमारे प्रधानाचार्य जी हमारे बीच मौजूद है, मंगेश राम जी के नेतृत्व में हमारी टीम लगी हुई है। आपका आशीर्वाद मिला तो यह और भी बेहतर काम होगा, आप हमें मार्गदर्शन करें, आशीर्वाद प्रदान करें। सभी बच्चे जरूरतमंद बच्चे हैं और जरूरतमंद बच्चों को देखते हुए हमारे आदरणीय प्रदीप जी है, सुराणा जी इनके जो छोटे भाई है वो है और महिला मंडल भी यहाँ पर बहुत बार आ चुकी है, तो आप लोगों का आशीर्वाद सहयोग आर्थिक सहयोग बराबर मिलता रहता है। इसी की बदौलत ये विद्यालय आज 4 साल लगा हुआ है और अतिशयोक्ति कहने के लिए नहीं होगी कि छात्र संख्या तो है ही है, गुणवत्ता की दृष्टि से भी हमारा विद्यालय अभी अग्रणी चल रहा है। तो आपका आशीर्वाद मिला तो हम इसको और बेहतर बनाएंगे। ज्यादा बात नहीं करते हुए मैं इस कार्यक्रम के शुभारंभ करने से पूर्व अनुव्रत हमारे जो प्रदीप जी सुराणा है वो आपको मुनि श्री और अपने अनुव्रत समिति छात्र के किए जाने वाले कार्यकलापों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। हमारे श्री प्रदीप जी सुराणा से निवेदन करूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें। छात्र सेवा केंद्र व्यवस्था पर शासन श्री मुनि श्री विजय कुमार जी के चरणों में श्रद्धा सुमन समर्पित, मुनि श्री आत्मानंद जी के चरणों में सबक के वंदन। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष अनुवर समिति के विशेष सलाहकार सम्मान्य रेखा राम जी बोधारक, आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि अनुवर समिति अध्यक्ष हमारे 13 सभा छापर के सक्रिय श्री जतन जी बोथरा, हम सबसे विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण अतिथि हैं मुझे खुशी है इसे तपस्वी सभा के लिए श्री यहाँ पर उपस्थित है नाटा जी, शंकर सिंह जी जिनके आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं इसे व्यक्तित्व का भी अनुवर समिति कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारी अनुवर समिति की महिला टीम, 13 महिला मंडल उपस्थित इस विद्यालय के जुझारू प्रिंसिपल मंगेदाराम जी, शिक्षक शिक्षिकाएं,
हल्के चित्र मुस्कुराते व्यक्तित्व के धनी अनुच्छेद प्रचार कर अनुवर्त विश्व भारती द्वारा आज के दिन करोड़ों छात्र छात्राओं का तो अनुवर्त गीत का महासंगान कार्यक्रम विश्व स्तर पर है, लेकिन साथ साथ में व्यापारी शिक्षक राजनेता फिल्म डिपार्टमेंट अन्य सरकारी अधिकारी बुद्धिजीवी लेखक सब लोग आज एक साथ करोड़ों की संख्या में पूरे देश में अनुवर्त गीत का संधान कर रहे हैं। आचार्य तुलसी द्वारा रचित गीत को छात्र हित में शिक्षक हित में व्यापार हित में एवं मानव हित में उपयोगी मानते हुए हर जगह की सरकारों ने अपने कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि आज के दिन अनुवर्त गीत के महासंगान में भाग लेकर हम लोग अपना विकास करें। और मुझे खुशी है छापर में शासन श्री मुनि विजय कुमार जी के सानिध्य में यहाँ की अनुवर्त समिति जिसके अध्यक्ष भाई विनोद ढाका है, हम लोग एक साथ पूरे विद्यालय में अनुवर्त गीत का महासंगान कर रहे हैं। मैं विद्यालय के संबंध में भी कहना चाहूंगा, विश्वविद्यालय के जुझारू प्रिंसिपल के कारण 1 करोड़ का कार्य इस विद्यालय में हमारे जिन लोगों ने करवाया वो सब एक तरह से अनुवर्त समिति से संबंधित है। सम्मानीय राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षक चेन्दुप जी गायमा रेखाराम जी बोधारा मेरा अनुदाता लक्ष्मीपत सुनैना किशन जी सारा हमने हम लोगों ने 5 दिन इस विद्यालय के जुझारू प्रिंसिपल के संपर्क में आने के बाद उनकी योग्यता को देखते हुए हर विद्यालय में काम हुआ है, लेकिन इस विद्यालय ने एक अनूठा कार्य हुआ जिसके लिए भी हम लोग हालांकि इसमें प्रिंसिपल साहब का योगदान है लेकिन अनुवर्त समिति का भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं अधिक नहीं कहता हुआ मैं संक्षिप्त में चाहूंगा कि रेखाराम जी बोधारा एक मिनट अपना उद्बोधन दे, उसके बाद विनोद जी नागा लास्ट में आभार प्रदर्शित करेंगे, इनके उद्बोधन के बाद अनुवर्त गीत का महासंगान होगा, फिर मुनि श्री का। हम सकते हैं छापर सेवा केंद्र के व्यवस्थापक शासन श्री मुनि विजय कुमार जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सहभारती संत मुनि श्री आत्मानंद जी के चरणों में वंदन। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रदीप जी सुराणा साहब, अनुवर्त समिति छापर के अध्यक्ष भाई विनोद जी नाटा, इस संस्था के प्रधानाचार्य जी, यहाँ उपस्थित मंच पे जतन जी, सत्र सिंह जी और अनुवर्त समिति की महिला टीम, संपूर्ण विद्यालय के स्टाफ सदस्यगण, ये बालक बालिकाओं, जैसा कि परम सम्मानीय प्रदीप जी ने बताया कि पूरे भारत में और विश्व में आज 18 जनवरी 2024 को आचार्य तुलसी के द्वारा एक पौधा लगाया गया था अनुवर्त के नाम से, उस पौधे को वट वृक्ष के रूप में विशाल रूप से फैलाने के लिए एक अनुवर्त आंदोलन को महा आंदोलन बनाने के लिए जन जन तक पहुंचाने के लिए इस गीत का महासंगान किया जा रहा है। साथ ही इस गीत में एक पंक्ति है जिसमें आप गाते हो, सुधरे व्यक्ति और व्यक्ति से समाज सुधरे और समाज से राष्ट्र बने, ये तभी आएगा जब अनुवर्त गीत के माध्यम से, अनुवर्त आंदोलन के माध्यम से हम छोटे छोटे वर्तों को अपने जीवन में अपनाकर अपना और अपने परिवार और अपने समाज और राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। मैं एक बार इस अवसर पर इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को, संपूर्ण स्टाफ को और विद्यार्थियों को, पूरे अनुवर्त समिति के माध्यम से मैं आपका आभार और सम्मान प्रकट करता हूं। ओम आरम, जय हिंद, जय भारत।
अनुवर्त गीत एक साथ शुरू करेंगे आगे बढ़ाते हुए जैसा कि मुझे मंच से निर्देश मिला है
में हमारे आज के मुख्य केंद्र बिंदु मुनि श्री शासन श्री की जिनको उपाधि मिली हुई है,